राम राम सभी दोस्तों को। जल्दी से आ जाइए भाई, कमेंट में शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। अविनाश, ज्योति, सचिन, प्रीति, सोहित, मोहित, ललित, त्यागी। ठीक है भाई, ठीक है। राम राम सभी को। तो सचिन जी कह रहे हैं क्लास, हाँ आज पूरी कोशिश करेंगे हम चैप्टर ख़त्म करने की। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी दो क्लास कर चुके हैं बायोलॉजी की, और जिसने नहीं की है वो वापस जाए चैनल पर, और दोनों की दोनों प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बायोलॉजी क्लास 1, क्लास 2 शॉर्ट वीडियो है, उसे देख लेना, 20-21 मिनट की है। एक सेक्शन उसमें हम अपना करवा चुके हैं। तो आज आगे कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र चल रहा था और उसमें हमने मुखगह्वा समाप्त कर दिया था, तो आज उससे आगे ही प्रोसीड करेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। ये लीड भी लानी पड़ेगी भाई दूसरी, थोड़ा पहले डायग्राम भी देख लेते हैं। जल्दी से आज पूरा सॉरी दोस्तों, कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। अब आगे शुरू करते हैं। ये पार्ट है मुगुहा। अरे अरे, अभी तो रह गया या गलत। सॉरी यार, या गलत भी है। ये मुगुहा के हम तीनों पार्ट पढ़ा चुके हैं। पहले पार्ट का नाम था होट, जीभ, दांत। ये सेक्शन आपका पूरा है। पहली दोनों क्लासेस में मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, आज आगे पढ़ाते हैं। जैसे कि ये मुखगह्वा है, यहाँ पे तीन ग्रंथियाँ होती है इस टाइप से, तो आज इनके बारे में पढ़ते हैं, तीनों ग्रंथियों के बारे में। पहले का नाम होता है कर्ण पूर्ण ग्रंथि, दूसरी होती है अपोहन ग्रंथि, तीसरी का नाम होता है अधोजीवा ग्रंथि,
ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है? ये तीनों ग्रंथियां मिलकर निर्माण करती है लार ग्रंथि का। तो लार ग्रंथि के बारे में ही पढ़ लेते हैं यहीं पे। लार ग्रंथि से अगर पूछा जाए क्या श्रावण करती है लार ग्रंथि किसका श्रावण करती है? तो आंसर होगा आपका लार का। लार ग्रंथि से लार श्रावण होती है। और लार ग्रंथि के बारे में अगर बात करें हम, भाई कर्णपूर्ण ग्रंथि कान के पास होगी, ये आपके मुख के अंदर ही है, और फिर ये जो उनका कंठ होता है, कंठ के आस थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ से ये होती है अपोहन ग्रंथि, और जीभ के नीचे पाई जाती है अधोजीवा ग्रंथि। ये तीनों मिलकर ही लार ग्रंथि का निर्माण करती है, और लार ग्रंथि से श्रावण होता है लार का। अब लार के बारे में जानते हैं, लार क्या है? अगर लार की बात करें, लार क्या है? भोजन के पाचन में सहायक। भोजन को गीला करना, इसका कार्य हो जाएगा लार का ही। या हम कह सकते हैं भोजन को मथना। और अगर हम लार की संरचना के बारे में बात करें, इसकी संरचना में क्या होगा? इसकी संरचना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है H2O, यानी कि जल। कितना पाया जाएगा? 70 से 95%। और इसमें कुछ अन्य होते हैं, जैसे होता है एनायन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये भी पाया जाता है। और इसमें एंजाइम भी होते हैं। अगर एंजाइम पूछा जाए, एंजाइम कितने आते हैं इसमें? 1% एंजाइम। और दो एंजाइम होते हैं यहाँ से, एक तो होता है स्टार्च, एक होता है लाइसोजाइम। अगर बात करें स्टार्च की, स्टार्च क्या करता है? स्टार्च माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन, वो माल्टोज को सुक्रोज में। लाइसोजाइम होता है जीवाणुरोधी। इधर लिख देते हैं, चमक रहा है ना, देख लेते हैं। आ रहा एंजाइम की बात कर रहे थे हम। अगर हम बात करें इसमें एंजाइम की, एंजाइम कितना होता है? 1%। दो एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। अगर हम टाइलिन की बात करें, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम होता है जीवाणुरोधी। अगर बात की जाए
लार के बारे में, लार क्या होता है, लार का कार्य है। सबसे पहले लार, जैसे ही हम भोजन खाते हैं उसे चबाते हैं, तो लार भोजन को गीला करती है, यानी कि उसे मथने में मदद करती है लार। और जैसे ही मथेगा तो अधपचा हुआ भोजन उसे कह सकते हैं, या उसका नाम देते हैं हम बॉल्स। बॉल्स का निर्माण करता है लार। दूसरा, इसमें क्या, इसकी संरचना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है H2O, यानी कि जल 95% तक ही पाया जाएगा, 90 से 95 आएगा या तो आंसर में, या 70 से 95। अगर बात करें NCERT, NCERT देता है 90 से 95%। और इसमें एंजाइम, दो पाचक एंजाइम भी निकलते हैं लार से, एक टाइलिन, ए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जीवाणुरोधी होता है, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जीवाणु वगैरह प्रवेश कर जाते हैं, कीटाणु हमारे जाते हैं, तो उन्हें मारने का काम ही लाइसोजाइम करता है, भोजन को यानी कि सुरक्षित बनाता है लाइसोजाइम। ठीक है, ये दोनों लार ग्रंथि हो गई। और एक क्वेश्चन और, प्रतिदिन कितने लार का श्रवण होता है? अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो पूछा जाता है, प्रतिदिन श्रवण कितना होता है इसका? प्रतिदिन 1.5 लीटर, प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रवण होता है लार ग्रंथि से। ठीक है, और आगे चले। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि ऐसे कौन से जीव है जिनमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, लार ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है, मेंढक और व्हेल। मेंढक और व्हेल दो ऐसे जीव है जिनमें लार ग्रंथि अनुपस्थित होती है। दिख रहा है ना एक बार यहाँ तक? तो मेंढक में व्हेल दो ऐसे जीव होते हैं जिसमें लार ग्रंथि क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, हाँ सोहित जी, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट नहीं, थोड़ा सा इस आज ख़त्म ही करते हैं इस चैप्टर को, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे ही हम इस पे पहुँचते हैं, यहाँ पे एक पाई जाती है ये, इसका नाम क्या होगा? इसे कहते हैं ग्रसनी। अगर आपसे ग्रसनी के बारे में पूछा जाए, ग्रसनी क्या होती है एग्जाम में, तो ग्रसनी आप आंसर देंगे, ग्रसनी जुबान, कान वह गले का जंक्शन पॉइंट होती है। यानी कि जुबान या जो जीभ होगी, और ये जो हमारे फूड पाइप से थोड़ा सा ऊपर होती है, यहाँ से जुबान, कान और मुंह का ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला, यानी कि जिसे कंठ कहते हैं गांव के आम भाषा में, वहाँ का जुबान, कान व गले का जंक्शन पॉइंट होता है। और अगर इसका कार्य पूछा जाएगा, कार्य क्या होगा इसका? कार्य हवा व भोजन को संचालित करना। कैसे करेगा? यहीं से, जैसे ये फूड पाइप होता है, ये यहाँ से फूड पाइप स्टार्ट हुआ, यहीं से एक पाइप और निकलता है जो हवा का, यानी कि जो मुंह से हवा आ रही है, जैसे ही हम मुख से भोजन ले रहे हैं और हवा दोनों साथ ले रहे हैं, तो वायु को भेजेगा फेफड़े तक, यही हमारा ग्रसनी, और भोजन को भेजेगा आमाशय तक। तो भोजन व हवा दोनों को अलग करने का काम ग्रसनी का होता है। ठीक है, और इस तभी तो कहा जाता है कि खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, उसी कारण की वजह से कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते समय बोलते हैं तो ये एक कैसे कैसे उसे मिसलीड हो जाता है कि कभी कभी भोजन फूड उसमें एयर पाइप में भेज देता है, तो उसे दस्का वगैरह जब उत्पन्न होता है वो वाला। तो ठीक है, आगे इससे नीचे आता है, ग्रसनी से नीचे आता है ग्रास नली का, इसे कहते हैं ग्रास नली का। अगर ग्रास नलिका के बारे में वो आपसे पूछेगा, ग्रास नलिका की लंबाई कितनी होगी, ग्रास नलिका की
अगर बात करें हम इसकी लंबाई, लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और इसमें कोई पाचन नहीं होता। कोई पाचन नहीं होता। और तीसरी बात, इसमें संकुचन व प्रकुचन, एक होता है संकुचन व प्रकुचन की प्रक्रिया द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। अगर बात करें संकुचन व प्रकुचन क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरह से फूड पाइप होता है, जैसे ही भोजन यहाँ पे है ये वाला, तो ये ऐसे नहीं कि एकदम से पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतने ये धीरे धीरे पहुँचता है, यानी कि ये संकुचन होगा यहाँ पे, ऐसे होगा, फिर यहाँ से फुलाव होता है, तो जैसे ही यहाँ से ये रिलीज़ करेगा ये भोजन यहाँ पहुँच जाएगा, फिर हो जाएगा संकुचन इसका इस तरीके से, फिर ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा, फिर नीचे बढ़ेगा, तो इस तरह से संकुचन प्रकुचन की प्रक्रिया होती है। इससे बाद में आता है ये वाला अंग, कौन सा है? इस अंग का नाम है अमाशय। अगर पूछा जाए अमाशय की आकृति कैसी है, इसकी आकृति आकृति होती है जे टाइप। और अगर पूछा जाए आपसे अमाशय, अमाशय की आकृति जे टाइप होगी। दूसरा इसमें पूछा जाएगा अमाशय के भाग, तीन भागों में डिवाइड है अमाशय का। सबसे पहले अग्र भाग, अग्र भाग को क्या कहते हैं? कार्डिक। अग्र भाग को कार्डिक, मध्य भाग को फर्डिक और पश्च भाग को फाइलेरियम कहते हैं। ठीक है, एक ये जैसे ये अमाशय है, अमाशय पर एक परत चढ़ी होती है इस टाइप से, इस परत को क्या कहा जाता है? इस परत को कहते हैं हम म्यूकोसा। अगर बात करते हैं म्यूकोसा, म्यूकोसा से कौन से रस का श्रावण होता है? म्यूकोसा से स्रावित होता है म्यूकस रस, म्यूकस। और यह कार्य क्या करता है म्यूकस रस कार्य करता है अमाशय के अम्लीय प्रभाव को कम करता है, या ऐसे कह सकते हैं अमाशय के अम्लीय प्रभाव को कम कर अमाशय की रक्षा करता है। थोड़े और ऊपर आ जाइए। अब जैसे ये म्यूकस की परत है, म्यूकस परत के ऊपर ही ग्रंथियां पाई जाएगी इस तरीके से, ये इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? ये वाली ग्रंथियां यहाँ करा देते हैं, ये होती है जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथि। और पूछा जाए जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होती है, जठर ग्रंथियां किसका श्रावण करती है? जठर ग्रंथियां स्रावित करती है जठर रस। और जठर रस से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? तब तो नोट कीजिए एक बार।
कर लिया नोट भाई। चलो आगे शुरू करते हैं। जठर से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? चार एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज और HCl, ये चार निकलते हैं यहाँ से। अगर पूछा जाए पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। रेनिन क्या होता है? केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। एक प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन, उसका पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन। HCl क्या करता है? HCl पाचन नहीं करता, दरअसल ये अम्लीय वातावरण का निर्माण कर अम्लीय वातावरण का निर्माण कर भोजन को सड़ने से बचाता है। और अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, इसका पीएच मान कितना होगा HCl का? 1.4 या 1.8, 4 भी 8 भी दोनों ठीक है, लेकिन 1.8 NCRT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, HCl का काम हो गया आपका अम्लीय वातावरण का निर्माण कर भोजन को सड़ने से बचाएगा। तो एक बार इतना रिवाइज कर लेते हैं, तब तक नोट भी कर लेना, मैं टाइम दूंगा। एक बार कमेंट मंद कीजिए और इसे समझिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पुट किए जाते हैं एग्जामों में। जैसे अमाश्य की बात करते हैं, अमाश्य की आकृति जे टाइप की होती है, तीन भागों में अमाश्य हमारा बटा होता है। तीन भागों में कैसे? जैसे ये अग्र भाग हो गया, इसे अग्र भाग की श्रेणी, ये मध्य भाग की श्रेणी, ये पश्च भाग की श्रेणी, ये तीन भागों में। अग्र भाग को क्या कहते हैं? कार्डिक कहते हैं, इसे फर्डिक कहते हैं, इसे फाइलेरियम कहते हैं। फाइलेरियम ही छोटी आंत में खाने को भेजता है, फाइलेरियम के रास्ते ही। ठीक है, और बात करते हैं हम अमावस्या की परत। अमावस्या की बाहर की तरफ एक परत चढ़ी होती है, अंदर की तरफ ये वाली परत। इस वाली परत को क्या कहा? इस वाली परत को कह देते हैं म्यूकस। म्यूकस से कौन से रस का श्रावण होता है? इस ये श्रावित करती है म्यूकस रस को। और म्यूकस रस क्या कार्य करता है? म्यूकस रस कार्य करता है इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि जठर ग्रंथियां HCl का श्रावण करती है और ये अम्लीय प्रभाव को बना देती है। हमारे जितने इसके अंदर अमाश्य के अंदर अम्लीय प्रभाव हो जाता है, बहुत सारा अम्ल उत्पन्न हो जाता है, तो अमाश्य को डैमेज होने के खतरा हो जाता है, नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, तो उसे नियंत्रित करने का कार्य ही म्यूकस रस करता है, या म्यूकस रस को कह सकते हैं हम HCl का नियंत्रण, HCl रस का नियंत्रण करता है या नियंत्रित करता है। HCl रस को नियंत्रित करता है क्योंकि अगर म्यूकस नहीं होगा या म्यूकस रस नहीं होगा अमाशय के अंदर, तो HCl की वजह से हमारा अमाशय डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसकी वजह से। तो इसे HCl को नियंत्रित करने का कार्य ही म्यूकस रस करता है। ये म्यूकस रस के ऊपर ग्रंथियाँ पाई जाती है, इस ग्रंथियों को क्या कहती है? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ जठर रस को निकालती है और जठर रस में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। पहले पेप्सिन हो जाए, पेप्सिन क्या करेगा? भोजन के साथ आए हुए प्रोटीन का पाचन करने का कार्य पेप्सिन का होता है, यानी कि भोजन के साथ जो भी प्रोटीन आएगा उसका पाचन करता है पेप्सिन, और जो हम दूध पीते हैं दूध में उपस्थित होता है केसिन प्रोटीन, इसे कह सकते हैं दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का। दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या होता है? जो हम भी भोजन के साथ जो वसा आती है उसका पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। HCl हमने पढ़ लिया, नोट कीजिए तब तक।
चले भाई आगे। अब आते हैं, इसके बाद में आता है छोटी आंत। सबसे पहले प्रश्न तो यही बनता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.5 मीटर। सबसे बड़ा भाग यही है, पाचन का सबसे बड़ा भाग यही हो जाएगा, तंत्र का कह सकते हैं हम। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत को ही माना जाता है, और सबसे ज़्यादा अवशोषण भी इसी में ही होगा। सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा अवशोषण भी होगा, और सबसे ज़्यादा पाचन भी छोटी आंत में ही होगा। सबसे ज़्यादा पाचन, और छोटी आंत में आकर कौन कौन से रस मिलते हैं? पित्तरस, पित्तरस भी छोटी आंत में आके मिलेगा। एक मिनट, क्या है यार ये आवाज़ कम करने को। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। पितरस कहाँ पर आकर, पितरस भी यहाँ पर मिलेगा, अग्नाशय रस भी यहाँ पर आकर मिलेगा, और एक होता है आंत रस, ये भी यहीं पे आके मिलेगा। अगर छोटी आंत की बात करें, छोटी आंत के कितने भाग में बांटा गया है? दो या तीन कह सकते हैं। पहले भाग का नाम होता है डिओडियम, जेजुनम, इलियम। अगर वो दो भाग पूछना चाहता है तो जेजुनम काट देते हैं, क्योंकि ये अवशेषी अंग है, इसका कोई महत्व नहीं है। वैसे दो भाग में कैटेगरी में कौन कौन सी? डिओडियम, इलियम, और तीन भाग होते हैं इसके, डिओडियम, जेजुनम, इलियम। एनसीईआरटी में दो ही दिए हुए हैं। वैसे तीन भाग होते हैं, जेजुनम अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे छोटी आंत की कैटेगरी में गिनते हैं। अगर डिओडियम की बात करें, डिओडियम क्या है? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। और बात करें हम पाचन, सबसे ज़्यादा पाचन भी इसी में होता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण होगा, और अगर ये जैसे पितरस, अग्नाशय रस, ये कहाँ मिलेगा? ये इसी में ही मिलते हैं आके, पितरस, अग्नाशय रस, आंत्रस। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे छोटी आंत की बात करते हैं, लंबाई 6.5, मतलब लंबाई इसकी 6 से 7.5 मीटर होती है। सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, सबसे ज़्यादा पाचन भी छोटी आंत में, और पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्रस। लेकिन अगर वो छोटी आंत ऑप्शन नहीं देगा तो डिओडियम देगा, क्योंकि डिओडियम में ही आंत्रस, अग्नाशय और पित्तरस, ये तीनों आकर मिलते हैं भोजन में। सबसे ज़्यादा पाचन भी डिओडियम में ही देगा वो, और सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? डिओडियम में ही होता है। ठीक है, तो छोटी आंत यहाँ पे ख़त्म हो गई आपकी। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत, लेकिन बड़ी आंत से पहले ये वो पोर्शन, ये ऐसे जा रहा है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने के लिए, ये होता है सीकम। सीकम की बात करते हैं, सीकम क्या है? सीकम छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है। छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता है सीकम। और सीकम की बात करें, सीकम का डायग्राम अलग ही बना देते हैं। सीकम होता है इस टाइप से, दिख रहा है ना?
ये होता है सीकम, ये होती है यहाँ, इधर होती है छोटी आंत, इधर होती है बड़ी आंत। और जैसे भोजन आएगा इस तरीके से, ये भोजन आता है ये इस तरीके से, तो भोजन ये जो होता है इसे कहते हैं कर्मिकार उभार। दिख रहा ना एक बार, ठीक है, ये होता है कर्मिकार उभार। और जैसे ये कर्मिकार उभार होता है तो भोजन आता है, भोजन आने के बाद यहाँ पे फंस जाता है, और फंस जाने के बाद यहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है इस तरीके से, तो इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, अवशेषी अंग है, पाचन में तो इसका कोई कार्य है ही नहीं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर इसका ऑपरेशन करके इसे यहाँ से काट के निकाल देते हैं। और ये जो ऑपरेशन होता है इसका ही नाम क्या होता है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स ऑपरेशन, अपेंडिक्स ऑपरेशन। पूछेगा अपेंडिक्स ऑपरेशन कहाँ पर किया जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाले अंग सीकम, इसमें किया जाता है। और इसमें भी एक कर्मिकार उभार होता है, इसे डॉक्टर ऑपरेशन करके यहाँ से अलग कर देते हैं या निकाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये यहाँ पर जमा नहीं होता। और अगर हमें इससे बचना है, अगर बात करें हम इस वाली प्रॉब्लम से बचना है, तो इसलिए तो कहा जाता है खाने के बाद गर्म पानी का पीना चाहिए। गर्म पानी पीते हैं तो जैसे गर्म पानी हमारे यहाँ से गुजरता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इन्हें यहाँ से हटा देता है, गर्म पानी पहुंचेगा तो ये कुछ यहाँ से हटेंगे वो हो जाएगा, तो गर्म पानी इसका एक सबसे अच्छा उपाय है। गर्म पानी इसीलिए कहते हैं कि पीना चाहिए उबाल कर, थोड़ा ऐसा भी नहीं पूरा गर्म ही पी लो भाई। हाँ सचिन जी कह रहे हैं कि पानी पूरा गर्म पीना चाहिए, इतना भी नहीं पीना चाहिए भाई सचिन जी कि आप अंदर से ही जल जाओ। हाँ ठीक है, तो एक बार एक मिनट थोड़ा जंगा है इसमें, मैं बड़ी आंत भी करा देता हूँ, फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा ये वाला पोर्शन, इधर ही ले जाते हैं बैक ना, मिटाना ही पड़ेगा। चलो अगर नीचे ये वाला भाग, ये होता है बड़ी आंत, दिख रहा ना। चलो शुरू करते हैं भाई, साउंड की प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से बार बार में भी वीडियो रोक दे रहे हैं। बड़ी आंत इधर कर लेते हैं, बड़ी आंत। अगर बात करें बड़ी आंत इसकी लंबाई की, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होगी। अगर बड़ी आंत की बात करें, दो भाग होते हैं बड़ी आंत के, दो भागों में बटी होती है बड़ी आंत। पहले भाग का नाम होता है कोलन, यह से कहते हैं वृद्धांत्र, एक होती है मलाशय या गुदा। कोलन या वृद्धांत्र का क्या कार्य है, वृद्धांत्र का इसे कहते हैं पाचन तंत्र का अंतिम भाग, अंतिम अंग, इसे कहते हैं पाचन तंत्र का अंतिम अंग। और गुदा को क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग। ठीक है, गुदा कह लो या इसी कई दूसरा नाम मलाशय भी हो जाएगा, मलाशय इसी को ही मलाशय कहते हैं, और मलाशय को नियंत्रित गुदा ही तो करती है, गुदा के द्वारा ही तो मल बाहर निकलता है। इसका कार्य क्या हो जाएगा, इसका मल त्याग, और मलाशय की ओपनिंग व क्लोजिंग कौन नियंत्रित करता है, गुदा।
ओपनिंग व क्लोजिंग कौन नियंत्रित करता है? गुदा करती है। लेकिन जो कोलन होता है ये पाचन तंत्र का अंतिम अंग होता है और इसी में ही भोजन भोजन में क्या इसे कहते हैं, भोजन से किस किस का अवशोषण करती है ये। यहाँ पर अवशोषण किस किस का होगा? अवशोषण ये जल का करेगा, खनिज का करेगा और औषधि का करेगा। खनिज, जल, औषधि तीनों का अवशोषण कहाँ पर होता है? कोलन में होता है या बड़ी आंत में होता है। अगर उसने ऑप्शन में ये आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे ही वो पूछेगा कि भोजन भोजन में जल का अवशोषण कहाँ कहाँ पर होता है, तो वो अगर उसने ऑप्शन में दिया है बड़ी आंत, तो हमारा आंसर बड़ी आंत ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में बड़ी आंत और कोलन दोनों है तो कोलन होगा, और अगर बड़ी आंत केवल कोलन ही दिया है तो कोलन होगा। मेन चीज़ बड़ी आंत का एक पार्ट होता है कोलन, जिसमें जल और खनिज व औषधि दोनों का अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया चैप्टर, ना चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, ये पार्ट ख़त्म हो गया आहार नलिका वाला। अगर पूछा जाए आहार नलिका की कुल लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है, जिसमें से अगर पूछेगा वो छोटी आंत व बड़ी आंत दोनों मिलकर कितनी, अगर आंत की लंबाई पूछेगा आंत की लंबाई होती है 22 फीट। फूड पाइप की लंबाई हमने लिखाई दिया, इसे फूड पाइप ही कहते हैं आहार नलिका को। ये होती है 25 सेंटीमीटर। ये होता है आपका यकृत, ये वाला भाग, और ये होता है आपका अग्नाशय। तो इस चैप्टर में केवल आपके तीन ही टॉपिक रह गए जिसके बारे में हमें पढ़ना है, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। ये तीन चीज़ ही पढ़नी है, बाकी सभी आपका कंप्लीट है। तो एक बार आप इन्हें नोट कीजिए, तब तक देखते हैं। आंतरस भी करवाएंगे, वो उसमें कराएंगे जब ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे, तो वहाँ से एक टॉपिक तो रह ही गया इसका। अभी पाचक ग्रंथियाँ भी अभी पढ़नी है, उसमें आंतरस भी पढ़ेंगे हम। हाँ साइड, हाँ ठीक है, साइड हो रहा। चलो एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर क्लास बंद करते हैं शाम के समय, क्लास करके सब पूरा ही कर देते हैं आज चैप्टर को। मुगवा तो हमने पहले दो क्लास इसमें पढ़ी चुके हैं। इसके बाद ये होती है ग्रसनी। ग्रसनी जुबान का, जुबान कान व गले, जुबान कान व गले का जंक्शन पॉइंट ग्रसनी होता है, और ग्रसनी का कार्य ही भोजन व हवा दोनों को अलग अलग पाइप में संचालित करने का होता है। वहाँ से भोजन पहुँचता है ग्रस नलिका में, जिसे फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी, और फूड पाइप यानी कि जो भी भोजन इन तीनों की सहायता से मथा जाता है ना, और वे भोजन यहाँ पर पहुँचता है। यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, ये होता है बॉल्स। यहाँ पर भोजन को कहा जाता है बॉल्स, अधपचा भोजन बॉल्स है ये, इसे कहते हैं अधपचा भोजन। अधपचा भोजन ये बॉल्स यहाँ से इधर फूड पाइप में जाएगा और अग्नाशय में प्रवेश कर जाएगा। अब बात करते हैं अग्नाशय की, अग्नाशय में भोजन कितनी देर रुकता है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अग्नाशय में 4 से 5 घंटा भोजन रुकता है, 4 से 5 घंटे भोजन रुकता है। अब जब 4 से 5 घंटे भोजन रुकेगा तो उसे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एच सी एल जो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है वो भोजन में मिलता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। और जैसे ही भोजन को सड़ने से बचाएगा, यानी कि अग्नाशय में बॉल्स के रूप में भोजन पहुँचेगा, लेकिन वो यहाँ से निकल कर बड़ी आंत में और छोटी आंत में पहुँच जाएगा। और जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा, उस भोजन को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर ये जो भोजन यहाँ पर पहुंच गया है, इस भोजन को हम कहते हैं काइमा, यानी कि काइमा ही पूर्ण भोजन होता है, या काइमा का ही पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक है, और फिर काइमा किस में बदलता है? मल में बदलता है और गुदा के द्वारा बाहर हो जाता है। ये भोजन का पाचन है। और काइमा में ही क्या क्या मिलता है? पित्तरस भी मिलेगा काइमा में आकर, अग्नाशय रस भी काइमा में आकर मिलेगा, और आंत रस भी काइमा में आकर ही मिलेगा। तो आंत काइमा ही पूर्ण पाचन में बदलता है।
पर पहले भोजन का नाम बोल्स होता है, जैसे ही हम मुंह में खाने को चबाते हैं और मथते हैं भोजन को तो वो कहलाता है बोल्स। फिर बोल्स फूड पाइप में पहुंचता है और फूड पाइप के द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। यकृत में 4 से 5 घंटे तक भोजन रुकेगा, HCl आके उसमें मिलेगा और अम्लीय वातावरण का निर्माण होगा। तो अग्ना अमाशय से निकलने के बाद भोजन पहुँचता है छोटी आँत में। छोटी आँत में आकर उसमें पित्तरस मिलेगा, अग्नाशय रस मिलेगा, आँत रस मिलेगा और भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें पित्तरस मिलता है या अमाशय से निकलने के बाद भोजन को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम होता है काइमा। और कभी कभी काइमा की जगह वो देखा है अम्लांग। अम्लांग भी हम काइमा को ही कहते हैं, अम्ल नांग। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, फिर बंद करते हैं। थोड़ी अभी ना यहाँ पर स्टूडियो में एक समस्या आ रही है कि और जैसे ही बाहर से कोई निकलता है तो साउंड वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इस कमरे में भी थोड़ी इको प्रॉब्लम है, अगर सारे बंद कर दे तो आवाज़ गूंज रही है। थोड़ा एडजस्ट में टाइम लग रहा है अभी, लेकिन नोट कीजिए, आपकी क्लास चलती रहेगी अब रेगुलरली। मोहित पूछ रहे हैं कि क्या बायोलॉजी पूरी हो जाएगी एग्जाम से पहले। ग्रुप डी, कौन सा एग्जाम आपका, ग्रुप डी या लेखपाल? करी है आप, अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बच्चा। बच्चा तो नहीं, वैसे हम भी इतनी एज में हैं, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो ठीक है, नोट कीजिए। कुछ पूछना है तो आपका डाउट वगैरह है तो डाउट पूछिए आप, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल दीजिए, या चैनल पे कोई पोस्ट वगैरह, मतलब जो होता है ईमेल वगैरह कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं। मैं ईमेल आईडी अपना नंबर वगैरह दे दूंगा अभी अभी। अभी शाम के समय पे एक क्लास और लेके आऊँगा मैं, मतलब किसकी शुरू करती है, एक क्लास मैं और शुरू कर रहा हूँ, दो सब्जेक्ट मैं अभी करवाऊँगा। यानी कि नहीं, टाइम टेबल तो बन नहीं पाया है, इतना काम है वो। हाँ ठीक है, और कोई डाउट है तो तब तक पूछ लीजिए, फिर क्लास ऑफ करते हैं। चलो चलो ठीक है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं शाम के समय रीड करूँगा और अगली क्लास में उसे कर दूँगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बच्चे, अब जैसे कि चैप्टर पहला चल रहा है पाचन तंत्र, इसमें केवल अब एक एक क्लास रह गई है, वो भी 20 या 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। तीन ग्रंथियाँ हैं जिसके बारे में हमें अब पढ़ना है बस, वरना चैप्टर ये कंप्लीट है आपका। इसका रिवीजन कीजिए और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पुट हो गए। इसकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूँगा, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगा, बता दूँगा। तो तब तक आप मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बच्चे, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाँ जितना भी हो सके। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपका चैप्टर आज मैं पूरा करवा दूँ शाम के समय, या फिर मैं शाम के समय हिंदी या ग्रामीण प्रवेश को ये एक मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे सिलेबस डिस्कस करना पड़ेगा लेखपाल का। हाँ लेखपाल का मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा। बालियान जी पूछ रहे हैं क्या लेखपाल के पूरे सब्जेक्ट चले गए? लेखपाल के सभी सब्जेक्ट चले गए, बस अभी मैथ नहीं चल पाएगा 20 या 25 दिन, लेकिन मैथ हम कवर करा देंगे क्योंकि अभी स्टाफ की कमी है, एडिटर की भी कमी है, और जो टीम आनी थी वो टीम भी अब तक नहीं पहुंची है। एक तो दिल्ली में लॉकडाउन हो चुका है तो आ भी नहीं रहे, हम इतने दूर हैं उनसे, लेकिन पूरी कोशिश है कि वो वहीं से वीडियो अपडेट कर दें या लाइव आ जाए तो पूरा ठीक है। जैसा होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। ठीक है बच्चे, चले, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।